बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी फूड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हुई बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल के लिए चिकन ब्रेड वेजिटेबल रोल की रेसिपी के साथ। चिकन ब्रेड वेजिटेबल रोल बनाने के लिए मैंने एक अदद बंद गोभी ली है, जिसे धो के इस तरह से कटिंग कर ली है। एक बड़े साइज़ की गाजर, जिसकी इस तरह से कटिंग की है। दो शिमला मिर्च इस तरह से कटिंग की हुई। हाफ के जी बॉयल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन। 4 टेबल स्पून ऑयल, 4 टेबल स्पून सिरका, 4 टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, 1 टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसे बनाती हूँ। चिकन ब्रेड वेजिटेबल रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं फिलिंग तैयार करूँगी। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने इस तरह से कढ़ाई ली है, फ्लेम ऑन की है। इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल को अच्छे से मैंने गर्म कर लिया। मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं इसे एक मिनट के लिए घी में फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक को मैंने अच्छी तरह से एक मिनट के लिए घी में फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। सारा चिकन इसमें मैंने शामिल कर दिया। मैं इसमें सारी गाजरें ऐड कर दूंगी। सारी गाजरें और चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया। मैं ये अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लूंगी। गाजरों और चिकन को मैंने अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ एक मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें सिरका ऐड करूंगी, चिली सॉस, सोया सॉस डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इन्हें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें नमक, काली मिर्च, जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर डाल के इन्हें एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चिकन और गाजर में सारे सॉसेस और खुश्क मसालों का अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूंगी, शिमला मिर्च और बंद गोभी को भी मैं इन सब के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सारी सब्जियों को भी मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया है। अब मैं इन्हें कवर करके 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी। सब्जियों को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए। देखिए सब्जियां हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। इस तरह से एक पतीली ली है, उसके ऊपर इस तरह से जाली रखी है और इसमें पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। अब मैं इसकी ब्रेड की किनारे कटिंग करूंगी। मैंने इसके इस तरह से किनारे कट कर लिए हैं। ये जो किनारे बच गए इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड का स्लाइस रख दूंगी। ब्रेड का स्लाइस इसके ऊपर मैंने रख दिया। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। इससे ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से हम इसे बेल सकेंगे। ये देखे ब्रेड को सिर्फ हमने चंद सेकेंड के लिए ही सेकना है। ये देखे ब्रेड हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। अब मैं इसे बेलर की मदद से अच्छी तरह से बेल लूंगी। ये देखे इस तरह से इसे मैंने बेल लिया है। एक को मैंने बेल लिया, बाकी भी इसी तरह से करके बेल लेंगे। सारे ब्रेड के स्लाइस को इस तरह से मैंने बेल लिया। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी इस तरह से लेई तैयार कर ली। अब मैं इस तरह से एक ब्रेड का पीस पकड़ूंगी, इसके ऊपर थोड़ी सी फिलिंग रख देंगे। इस तरह से फिलिंग रख देंगे। इस तरह से मैदे की जो लेई हमने बना के रखी थी इस तरह से लगा देंगे और अब मैं इसे इस तरह से पकड़ के रोल कर लूंगी। ये देखें इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, बाकी भी इसी तरह से बना लूंगी। सारे रोल इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने हाफ कप मैदा लिया था, इसमें हाफ कप ही पानी डाल के इस तरह से इसकी पतली सी लेई तैयार कर ली है। हंस पे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स लिए।
अब मैं इस तरह से रोल पकड़ूंगी। सबसे पहले इसे इसमें मैदे वाली लई में डिप करेंगे। मैदे वाली लई में इसे डिप कर लिया। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करूंगी। ये देखिए, एक को मैंने ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट कर लिए। इसी तरह से सारे बना के रख लेंगे। सारे ब्रेड क्रम्स को मैदे की लई और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके मैंने तैयार कर लिया। दूसरी तरह मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। अब मैं एक एक पकड़ के इसमें डाल दूंगी। इसी तरह से सारे डाल देंगे। सारे रोल इसमें मैंने डाल दिया। मैं पहले इसे एक तरफ से फ्राई करूंगी, फिर इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई करेंगे। रोल हमारे एक तरफ से फ्राई हो गया। मैं इनकी साइड चेंज करूंगी। मैंने इनकी साइड चेंज कर दिया। मैं इसे दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। सारे रोल हमारे फ्राई हो गए। ये देखिए दोनों तरफ से। अब मैं ये एक प्लेट में निकालूंगी और बाकी भी इसी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी चिकन वेजिटेबल ब्रेड रोल। आप इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पे अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार किया करें। अल्लाह हाफिज़।